भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। सोनीपत लोकसभा सीट से राई से विधायक मोहनलाल पड़ोली को अपना उम्मीदवार बनाया है और मोहनलाल पड़ोली लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं। राई हलके के प्रवास पर मोहनलाल पड़ोली पहुंचे और अपनी ही विधानसभा में चुनाव प्रचार प्रसार किया। मोहनलाल पड़ोली ने कहा कि मैं अभी तक सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपना प्रवास का कार्यक्रम कर चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। अभी तक मैंने लगभग 225 गांव में चुनाव प्रचार प्रसार किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक बना चुकी है और अन्य विपक्षी दल अभी तक अपने उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के उम्मीदवार के रूप में मैंने आज तक 255वां गांव है और हर गांव की चौपाल में जाके लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का समर्थन मुझे मिला है और बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत लोकसभा में होगी। लोकसभा सोनीपत में 9 विधानसभा हैं, 9 की 9 विधानसभाओं में मेरा प्रवास हो चुका है और आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता पार्टी के काम में लगा है और सभी समाजों के लोग, 36 बिरादरी के लोग, बुजुर्ग, महिला, किसान, व्यापारी, कर्मचारी सब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में आशीर्वाद दिया है और बहुत बड़ी जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की होगी। विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं सर? जो कांग्रेस ये कह रही थी, कभी धरने दे रहे थे, कभी प्रदर्शन कर रही थी कि बीजेपी कुछ भी काम नहीं कर रही, अभी तक उम्मीदवार नहीं है। अब वो उम्मीदवार ही अपना नहीं दे पा रहे हैं तो जो वो उनका उम्मीदवार आएगा, जिस प्रकार का उम्मीदवार आएगा उसके बाद उस प्रकार की बात चलेगी। जेजेपी को कहाँ देख रहे हैं जी? वो भी 5 उम्मीदवार घोषणा कर चुकी है और 5 और कह रहे हैं कि उतारेंगे। अब वो जब भी उतारेंगे उनके उम्मीदवार भी आपके बीच में आएंगे, जनता के बीच में आएंगे, जनता का आशीर्वाद वो भी लेंगे और जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को और नरेंद्र मोदी को दे चुकी है और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है जनता उस पर कायम रहेगी। 5 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी राय विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 26 तारीख को सुबह 10 बजे देवलाल स्टेडियम में गोहाना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी गोहाना विधानसभा की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 28 तारीख को राय विधानसभा की एक जनसभा को संबोधित करेंगे।